नेक्स्ट हैं जी अबरार शाह कराची से, वो कहते हैं शहबाज शरीफ ने कहा है कि आवाम वाज अक्सरियत दें ताकि मुल्क माशी खुद नसारी और महंगाई से निजात मिले। अगर मुस्लिम लीग नून को वाज अक्सरियत मिल भी जाए तो क्या अवामी मसाइल को हल करने की सलाह रखती? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सवाल अबरार शाह साहब आपको करना नहीं चाहिए था, आपका नाम इतना खूबसूरत है, आगे शाह लिखा, इतना ये बिल्कुल बेरब्त सवाल है। ये दो तिहाई अक्सरियत लेके भारी मैंडेट लेके यही नवाज शरीफ आके जा चुका है ना, इसके होते भी सुर्खियां लगी, शेर आटा खा गया, इसके होते हुए इसके घर पे शाहजेब नामी नहीं चंदजेब या शाह नहीं चंदजेब चंदजेब नामी आदमी ने खुदकुशी की, जमाने में खुदकुशियां ये करेंगे ये। हाँ, जहां तक शहबाज शरीफ की इस बात का ताल्लुक है कि आवाम वाज अक्सरियत दें ताकि मुल्क को माशी खुद नसारी और महंगाई से निजात मिले, तो ये हक है, हर सियासतदान का हक है, शहबाज शरीफ हो नवाज शरीफ हो जो जो भी हो बिलावल हो, सियासतदान होता क्या है? सियासतदान वोटों का भिखारी होता है। मैं जो इनसे इतनी नफरत करता हूं उसकी वजह ये, किसी भी मुल्क में सियासतदान वो वाहिद बंदा होता है, ये वाहिद कम्युनिटी है जिसकी पहचान जिसकी औकात आम आदमी का वोट होता है। पाकिस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन यही खबीस है। मैं इसीलिए कभी एस्टैब्लिशमेंट वगैरह कभी किसी को मैंने ब्लेम नहीं किया, ये इतने बेशर्म बेहया ये भिखारी हैं, भीख मांगे जो मर्जी कह के मांगे। पेशावर गदागर और भिखारी जब भीख मांग रहा होता है, उनमें से कई तो होते हैं वो माजूर होते नहीं, वो अदाकारी कर रहे होते हैं माजूरी, यही कहते जी बच्चे भूखे मर रहे, हालांकि उसके बैंक में शायद लाखों रुपया पड़ा हो, ऐसे भिखारी पकड़े भी जाते हैं। सो उनका ये कहना है कि अवाम बाजी अक्सरियत दें ठीक है, बाकी अगे ठगी है, दो नंबरी है, रंगबाजी है, नौसरबाजी है, वो मैं नहीं उस चक्कर में पड़ता, बाकी अवाम ने देनी है जरूर दें जरूर दें, मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भुगते हैं, फिर ये खानदान जो करेगा, पेट नहीं भरा लोगों का, चार बार वजारत है उसमें, तीन बार बड़े पाजी तो फिर एक बारी छोटे पाजी, तो बेड़ा गर्क कर गए। चंद दिन पहले मैंने इकोनॉमिक सर्वे का वो हाइलाइट्स अपने समूह वाले प्रोग्राम में दिए दो तीन दिन पहले, जमीन और आसमान का फर्क। पीटीआई की गवर्नेंस भी कोई अच्छी नहीं थी, आइडियल नहीं थी बिल्कुल, लेकिन इन्होंने जो तबाही मचाई है, आके मैंने वो फिगर्स दिए हुए समा के प्रोग्राम में, पिछले जो या जुम्मे वाला था प्रोग्राम या हफ्ते वाला था, वो आप उठा के देख लो, आपको पता लग जाएगा इनकी औकात क्या है। बाकी अगर वहां वादे आए किसी और चक्कर में है, इनको वादे अक्सरियत की जरूरत नहीं है, ये तो मैं भी ढोंग एक तमाशा कर रहे हैं, बात करने दो, जो कसर रह गई है इस मुल्क के अवाम की बर्बादी में वो भी पूरी हो जाएगी।